हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पनीर की रेसिपी लेकर आई हूँ। पनीर दो प्याज़ा बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनाएंगे और कोई भी अलग से मसाला नहीं होगा हमारे इसमें। जो हमारे घर में सिंपल मसाले रहते हैं ना, उसी से ही बनाएंगे। बहुत टेस्टी सा पनीर का ये रेसिपी। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो ज़रूर उसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं पनीर दो प्याज़ा। तो देखिए, यहाँ पर मैंने 2 कप पनीर लिया है। इसमें मैं थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ, तो नमक आधा टीस्पून से कम डालेगा क्योंकि अभी हम इसका ग्रेवी भी बनाएंगे, तो नमक हम बाद में भी एडजस्ट कर सकते हैं। आधा टीस्पून हल्दी डाल दिया है मैंने, हल्दी पाउडर। आधा ही टीस्पून यहाँ पर मिर्च का पाउडर डालेंगे। उसी के साथ मैं यहाँ पर आधा टीस्पून धनिया पाउडर भी डाल रही हूँ। अब यहाँ पर आधा टीस्पून से थोड़ा सा कम काली मिर्चों का पाउडर डालिएगा, ज़्यादा मत डालिएगा वरना बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगा। 1 टीस्पून यहाँ पर मैंने ऑयल डाला है, नॉर्मल रिफाइंड ऑयल है ये। इन सब को बहुत अच्छी तरीके से आपको मिक्स कर लेना है। ऑयल डालने से क्या होगा, जितने भी मसाले हमने इसमें डाले हैं वो अच्छी तरीके से पनीर के ऊपर कोटिंग हो जाएगा उनका। तो देखिए, यहाँ पर अब मैं 1 टेबलस्पून भर के दही डाला है, उसको भी बहुत अच्छे तरीके से मिलाइए और यहाँ पर पनीर का मैरिनेशन रेडी हो गया है। तो चलिए अब इसको फ्राई कर लेते हैं हम लोग। तो देखिए, पैन में मैंने यहाँ पर 1 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल डाला है, ऑयल ज़्यादा मत डालिएगा। अब इसमें जो हमने मैरिनेट करके रखा हुआ पनीर है वो इसमें डाल देंगे। फ्लेम आपका मीडियम पे होना चाहिए और इस पनीर को हम लोग ऐसे स्प्रेड कर देंगे ताकि वो एक एक साइड से अच्छी तरीके से फ्राई हो जाए। तो 1 मिनट आप एक साइड रखिए, 2 मिनट दूसरी साइड। तो देखिए, यहाँ पर पनीर वगैरह सब अच्छी तरह फ्राई हो गया है, आप देख सकते हैं उसमें कितना ऑयल निकला है। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि ऑयल कम डालिएगा पनीर को फ्राई करने के लिए। तो यहाँ पर लगभग हमें 3 से 4 मिनट के लिए पनीर को फ्राई करना है। पनीर को ज़्यादा फ्राई मत करिएगा वरना क्या होगा ना, पनीर हार्ड हो जाते हैं। तो इसीलिए पनीर को आप 3 से 4 मिनट फ्राई करने के बाद उन्हें पैन से निकाल लिएगा। तो अब मैं अपना ग्रेवी इसी ऑयल में बनाऊंगी। आप चाहें तो ऑयल को चेंज भी कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑयल ही डाला है। अब मैंने यहाँ पर 1 सिनेमन स्टिक, 2 हरी इलायची और 1 टीस्पून ज़ीरा डाला है। उनको जस्ट आप 30 सेकेंड्स के लिए गर्म करिए। अब मैं इसमें 1 मीडियम साइज़ का प्याज है जिसे मैंने बहुत ही ज़्यादा बारीक काट रखा है। आप जितना फाइनली हो सके उतना फाइनली आपको चॉप करना है, या फिर आप इसे ग्रेटर में ग्रेट भी कर सकते हैं, बट इसे आप पीसिएगा मत, ग्राइंडर में पीसिएगा मत, वरना उसका टेक्सचर जो है हमारे करी का वो चेंज हो जाएगा। अब आप देखिए, यहाँ पर मैंने प्याज को फ्राई कर लिया। यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, उसे भी हम 1-2 मिनट के लिए अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर अदरक लहसुन और प्याज है वो बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो गया है। अब मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के टमाटर है जिसे मैंने ग्रेट कर रखा था वो डाल दिया है। डालने के बाद अब हम इसमें थोड़े बहुत मसाले डालेंगे। तो देखिए, आधा टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून काश्मीरी रेड चिली पाउडर, इसी के साथ मैंने यहाँ पर 1.5 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, धनिया पाउडर डाला है। थोड़ा सा नमक डालेंगे और अच्छी तरीके से इसको मिक्स करेंगे। अब हमें इस मसाले को भूनना है क्योंकि हमने टमाटर को पकाया नहीं है, टमाटर के साथ ही हमने मसाले डाले हैं। तो इनको आप मीडियम फ्लेम पे रख के अच्छी तरीके से भूनिए। अब मैंने यहाँ पर 2 टेबलस्पून पानी ऐड किया है ताकि जो हमारे मसाले हैं वो जले ना। तो कम से कम इन्हें 4 से 5 मिनट मीडियम फ्लेम पे बहुत अच्छे तरीके से आपको भूनना है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने मसालों को भूना है, 4 मिनट हो गया है। मैंने ढककर भूना था और आप देख सकते हैं तेल वगैरह सब सरफेस पे आने लगा है। हमारा यहाँ पर जो मसाला है बहुत अच्छी तरीके से रेडी हो गया है। एक बार क्विक मिक्स देंगे इसे। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी। तो देखिए, यहाँ पर मैं 1 ग्लास पानी ऐड कर रही हूँ। पानी आप यहाँ पर गर्म पानी ही यूज़ करेंगे, ठंडा पानी बिल्कुल मत डालिएगा। इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। अब आपको इस ग्रेवी को कम से कम 5 मिनट के लिए उबालना है और जो फ्लेम है वो मीडियम पे रखिएगा। ढक दीजिए और 5 से 6 मिनट के लिए इसे उबालिए। तो देखिए, यहाँ पर अभी 6 मिनट हो गया है, जो ग्रेवी है बहुत अच्छे तरीके से उबल रही है। तो देखिए, इस टाइम पे अब हमने जो फ्राई करके रखे हुए अपने जो पनीर है हम इसमें ऐड कर देंगे। पनीर ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरीके से मिलाएंगे ताकि पनीर जो है ग्रेवी में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए।
अब हमें क्या करना है, 2 मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देना है मीडियम फ्लेम पे, ताकि वो अच्छी तरह से एक और बार उबाल आ जाए इस पे। तो देखिए यहाँ पर अभी मैं 2 मिनट के लिए छोड़ दूंगी इसे। 2 मिनट के बाद आप देखिए कि इसके ऊपर तेल आ गया है सरफेस पे, आप देख सकते हैं। तो इस पॉइंट पे मैंने यहाँ पर अभी एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया, जिसे ऐसे क्यूब्स में मैंने कट कर लिया, देख लीजिए। और इसको भी हम इसमें ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद इसको मिलाइए, और अभी से ही आप देख सकते हैं कि इसका जो ग्रेवी है वो थिक होना शुरू हो गया है। तो मिक्स कर दिया है अच्छी तरीके से। अब मैं इसमें आधा टीस्पून कसूरी मेथी डाल रही हूँ, आधा ही टीस्पून मैंने यहाँ पर गरम मसाले का पाउडर डाला है। इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे, ताकि जो कसूरी मेथी का फ्लेवर है, जो गरम मसाला है, अच्छी तरीके से हमारे ग्रेवी में आ जाए। इसे हम लो फ्लेम पे बिल्कुल 3 से 4 मिनट के लिए हम इसको छोड़ देंगे, ताकि ये अच्छी तरीके से उबलना शुरू हो जाए। तो देखिए अब मैं यहाँ पर 2 पिंच शुगर ऐड कर रही हूँ। शुगर ऑप्शनल है, पर अगर आप डालेंगे तो आपके पनीर का जो टेस्ट है ना, वो और भी बढ़िया हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 4 मिनट हो गया है लो फ्लेम पे। इस पॉइंट पे मैंने यहाँ पर 3 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम डाला है। अच्छी तरीके से मिक्स कर दीजिए। फ्रेश क्रीम डालने के बाद हमें ग्रेवी को ज़्यादा उबालना नहीं है। अगर आपके पास फ्रेश क्रीम नहीं है, तो हमारी जो घर पे जो दूध आता है उसके ऊपर जो मलाई जमती है ना, आप वो भी डाल सकते हैं मिक्स करके। तो चलिए अब हमारा यहाँ पर पनीर दो प्याज़ा रेडी हो गया है, तो मैं अब इसे सर्व कर लेती हूँ। तो देखिए ये रेसिपी इतनी ईजी है ना, मैंने इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स डाले हैं वो इंग्रेडिएंट्स हैं, वो स्पाइसेस हैं जो हम डेली यूज़ में यूज़ करते हैं। मैंने अलग से या डिफरेंट मसाला कुछ भी नहीं डाला। तो बहुत बढ़िया एक रेसिपी है, आप सब लोग ट्राई करके देखिएगा और अपने फीडबैक्स मेरे कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा और बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो ज़रूर उसे लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। और अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं ना, तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करिएगा, और उसके जस्ट अपोजिट एक बेल आइकन है, उसे भी क्लिक करेंगे ना, तो मैं जितनी भी रेसिपीज डालती हूँ उन सब का नोटिफिकेशन आपको आएगा। तो चलिए अगली आसान सी, बढ़िया सी, सिंपल सी रेसिपी के साथ मैं आपके सामने आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।